रांची में भी इस मामले को लेकर लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है, लोग प्रदर्शन भी कर रहे हैं। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता मोइजुद्दीन ने। अपने आप को सभ्य कहने वाले समाज में आज सभ्यता को तार तार किया गया। अंकिता नामक युवती की पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी गई, जिसके बाद रिम्स अस्पताल में उसकी मौत हो गई। इसका जिम्मेवार अब तक किसे माना जाए और कौन इसका दोषी है, इसकी बात अभी चल रही है। दरअसल शाहरुख नामक एक युवक ने उसके घर में जाकर पेट्रोल छिड़क कर आग के हवाले कर दिया और आज कहीं ना कहीं अंकिता हमारे बीच नहीं है। लेकिन समाज के लोग आज सड़क पर आए हैं और उसे न्याय की गुहार लगा रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इन लोगों से बात करेंगे कि आज सभ्यता सभ्य कहने वाले समाज में एक महिला को, एक युवती को मौत के हवाले कर दिया गया, कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा कहा आपने, और मैं समाचार प्लस के जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, जो भी लोग हमें अभी देख रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, पहले उनको ये सारी जानकारी देना चाहता हूँ कि घटना असल में है क्या। घटना ऐसी है कि एक हमारी बहन अपने घर में सो रही थी, दरवाज़ा बंद था, रात का समय था, एक तरफा प्यार है, लव जिहाद है, क्या है हम कुछ नहीं जानते। एक लड़का खिड़की से उसके घर में घुसता है, उस पर पेट्रोल डालता है, उसे आग के हवाले कर देता है। क्या वो लड़का ही सिर्फ जिम्मेवार है? क्या कुंभकर्णी निद्रा में सोई इस हेमंत सोरेन की सरकार इसकी जिम्मेवार नहीं है? जब उसको इलाज की जरूरत थी, वो इतने गरीब परिवार से थी कि उसके परिवार को रात में चंदा करके एम्बुलेंस जुगाड़ किया, लोग चंदा करके एम्बुलेंस किया और रिम्स लेके आया। रिम्स में उसका इलाज चला, हम लोग गए उससे मिलने, उसको आर्थिक मदद भी हम लोगों के द्वारा किया गया, हम समाज से ही रिक्वेस्ट करके किया गया, मगर सरकार का कोई एक प्रतिनिधि वहाँ उससे मिलने तक नहीं गया, उसका हाल लेने नहीं गया। और मैं आप सभी जो देख रहे हैं उन्हें मैं ये बता दूं कि वो जो अंकिता है वो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के भाई के विधानसभा क्षेत्र की बेटी है, मुख्यमंत्री के भाई के विधानसभा क्षेत्र, बगल में मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र जहां से उनकी सदस्यता भी जाने वाली है, वहां की बेटी है। आपने बताया है कि गरीब बच्ची थी, तो क्या गरीब और अमीर देख करके, या कह सकते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा की बात होती है ऐसे में इस तरह की घटना? देखिए, जहां तक आपने पूछा गरीब, मैं अभी आगे और आपको और व्यूअर्स को बताना चाहता था, मैं कोरिलेट कर रहा हूँ, मैं एक एक घटना जो घट रही है झारखंड में, ये एक आम घटना नहीं है, ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर घटना है कि घर में कोई लड़की सो रही है, मेरी बहन, मेरी माँ, उस पर आके कोई पेट्रोल डाल के आग लगा देगा, ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है। ऐसे घटना को भी इस सरकार ने अगर ध्यान से लिया होता, वहां के दुमका के प्रशासन ने ध्यान से लिया होता, तो अविलंब उसे रिम्स पहुंचाना चाहिए था कि नहीं पहुंचाना चाहिए महिलाओं के सशक्तिकरण। एक मिनट भैया, अभी कंप्लीट नहीं किया। मगर दूसरी तरफ कुछ ही दिन पहले मेन रोड में पुलिस पे हमला करने वाले, गोली चलाने वाले व्यक्ति को, उसी समुदाय विशेष का, पुलिस की जवाबी फायरिंग में उसको गोली लगती है, उसको हमारे, आपके और आप सभी के पैसे, जो टैक्स के पैसे है, उस पैसे से एयर एम्बुलेंस से उसको एम्स भेजा जाता है बेहतर इलाज के लिए। क्या अंकिता को बेहतर इलाज के लिए एक एम्बुलेंस मुहैया नहीं कराई जा सकती थी सरकार की तरफ से? क्या वहां के जो विधायक हैं, माननीय मुख्यमंत्री के भाई, क्या वो अपने क्षेत्र के जनता के लिए एक एम्बुलेंस नहीं व्यवस्था करा सकते? मैं ये पूछना चाहता हूँ। अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने की बात तो कर रही है सरकार, क्या पहुंच रही है? आपके सामने है सरकार क्या कर रही है, नहीं कर रही है, आपके सामने है ना, क्या मिला अंकिता को? कुछ नहीं, तड़पते बेचारी मर गई, आज हम लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं। महिलाओं को सम्मान सशक्तिकरण की बात होती है, लेकिन झारखंड में इस तरह के वारदात जी, सिर्फ वो ट्विटर सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम मंत्री तमाम विधायक लगे रहते हैं महिलाओं का, महिला दिवस के शुभ अवसर पर बहुत सारा आयोजन करते हैं, उनको मान सम्मान के लिए विश करते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर जैसे जिस प्रकार से अंकिता का मौत हो गई इस लव जिहाद मामले में, तो शाहरुख सरकार से हमारा यही आग्रह है कि महिलाओं को सुरक्षा के लिए कोई ऐसा माध्यम निकाले कि जो प्रशासन से डायरेक्ट कनेक्ट हो और तुरंत उसका समाधान निकले। इस पर सरकार को ध्यान जरूरी है कि प्रशासन कैसे मुस्तैद हो और महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या क्या इंतजाम कर सके, बेहतर यही हम सरकार से आग्रह करते हैं।
बिल्कुल, तो झारखंड में महिलाओं को सम्मान और सशक्तिकरण की बातें होती रही है, बावजूद उपराजधानी दुमका के अंकिता नामक बेटी की हत्या कर दी जाती है, पेट्रोल छिड़क कर आग के हवाले कर दिया जाता है। बावजूद राज्य में जिस तरह के हालात है उसे देखकर अब लग रहा है कि लोग विरोध पर आ रहे हैं, सड़कों पर आ रहे हैं, न्याय की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से क्या कुछ पहलकदमी होती है ये देखने वाली बात होगी। अपने सहयोगी राजेश के साथ मोइजुद्दीन, समाचार प्लस।